क्या आपको पता है कि 2005 के बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और सरल भाषा में समझें तो दादालाई संपत्ति में जितना अधिकार बेटों का है उतना ही अधिकार बेटियों का भी है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी कुछ 5-10 बातें। तो सबसे पहले तो ये कि प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होती है वो अप टू 4 जनरेशन होती है, यानी कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और सन, तो ये 4 जनरेशन हो गई। तो प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होती है वो 4 जनरेशन में होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिताक्षरा स्कूल की, मिताक्षरा स्कूल में क्या होता है कि जैसे एज सून एज एक बच्चे का जन्म होता है, एज सून एज अ चाइल्ड इज बॉर्न, वो एक इंटरेस्ट पा लेता है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। लेकिन दयाबागा स्कूल में ऐसा नहीं है। बंगाल और असम में दयाबागा स्कूल फॉलो किया जाता है और रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा फॉलो किया जाता है। तो दयाबागा स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ पर एज सून एज फादर की डेथ होती है तब एक राइट मिलता है सन को, या तब एक राइट आता है जो चिल्ड्रन है उस पर। लेकिन मिताक्षरा और दयाबागा स्कूल 2 डिफरेंट थॉट्स हैं, और जो मिताक्षरा स्कूल है वहाँ पर इसी वजह से जो एलिनेशन का राइट है वो बहुत ही कम है, और कंपेरेटिवली अगर हम दयाबागा में देखें तो जो एलिनेशन का राइट है वो एक एब्सोल्यूट राइट है। लेकिन एक सवाल ये कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसका पार्टीशन हो चुका है, और पार्टीशन के बाद अब अगर कोई को पार्टनर का बर्थ हुआ है, तो क्या उस को पार्टनर का राइट है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या नहीं? तो इसका सवाल, इसका आंसर ये है कि अगर वो बच्चा जिसका जन्म पार्टीशन के बाद हुआ है, अगर वो पार्टीशन से पहले ही कंसीव हो चुका था तो वो पार्टीशन रीओपन होने का रीज़न बन सकता है। साथ ही साथ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अलग रखना चाहते हैं, या जो आपको शेयर आपको मिला है पार्टीशन के बाद उससे अलग रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। लेकिन सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बिकम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर आप जो है उस प्रॉपर्टी को एक साथ अपनी विल से वॉलंटरीली रखते हैं, साथ ही साथ जस्ट बिकॉज अगर आपके फादर ने एज अ गिफ्ट या एज अ विल आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो प्रॉपर्टी आपके फादर से आपको ट्रांसफ़र हुई है, इस मेयर रीज़न से वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। और इसके बाद ये 2005 की अमेंडमेंट के बाद जो कि हुई थी सक्सेशन एक्ट में, अगर कोई मेल को पार्टनर है तो उसकी डॉटर भी को पार्टनर है, तो जितना राइट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सन का है उतना ही राइट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में डॉटर्स का भी है। तो ये हुई इक्वालिटी की बात। हालांकि प्रॉपर्टी जो आप अपनी मदर या ग्रैंड मदर से इनहेरिट कर रहे हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। तो ये थी कुछ खास बातें जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई थी। बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लॉ सीखो की और भी वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।